हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल क्रिएशन लाइफ। फ्रेंड्स, दिवाली स्पेशल में आज मैं लक्ष्मी माता की मूर्ति बनाने की एक छोटी सी कोशिश करी है। तो आपको मेरी कोशिश कैसी लगी, आप ये वीडियो पूरा देखिए और आपको मेरी ये लक्ष्मी माता की मूर्ति बनाने की कोशिश कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, मेरा ये चैनल न्यू है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम भी लगता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। फ्रेंड्स, ये लक्ष्मी माता की मूर्ति बनाने के लिए मैंने एक ऑयल कैन का डब्बे का ढक्कन लिया है और कुछ तार, और यहाँ पर ये जो रोल दिख रहे हैं ये मैंने न्यूज़पेपर के रोल बनाए थे। तो इन तारों को मैं अच्छे से पेपर से कवर कर दूँगी और यहाँ पर एक बॉडी का टेक्सचर तैयार हो जाएगा हमारा इस तरीके से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए। और यहाँ पर इसको ऊपर में हम लगाएंगे वॉल पुट्टी का लेयर लगाएंगे। तो मैंने वॉल पुट्टी का एक अच्छा सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है और इसी डो से हम बॉडी का पूरा एक टेक्सचर तैयार करेंगे। यहाँ पर तार लगाने की वजह से फ्रेंड्स क्या होता है कि हम बॉडी के कैसे भी हाथों को, पैरों को जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं वॉल पुट्टी की यूज़ कर रही हूँ पूरे बॉडी में। वॉल पुट्टी का लेयर जब एक बार सूख जाता है तो सेकेंड कोट हमें सूखने के बाद अप्लाई करना पड़ता है। और यहाँ ब्रश की सहायता से थोड़ा सा चिकनाते जाएंगे, फिनिशिंग आएगी इससे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखिए कि मैंने इसे कैसे कैसे बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट कोट सूख के रेडी हो जाता है, तब हम यहाँ पर सेकेंड कोट अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने दिवाली स्पेशल माता रानी का दरबार भी बनाया है, उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहां से जाकर ज़रूर देखिए। और भी वीडियो बनाए हैं फ्रेंड्स, वो भी आप ज़रूर देखिए और इस वीडियो को फुल वॉच करिए।
Thank you.